सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप सब लोग का होप यू ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सबकी दुआ से गिर रहा हूँ। सो मेरा नाम है शेख परवेज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जो कोई भी मेरा प्रीवियस व्लॉग चेकने करे जिसमें अपन मुंबई सिटी पूरा एक्सप्लोर करे थे, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो कोई भी चेकने करे गो एंड चेक इट आउट। सो कमिंग टू द टॉपिक गाइस, आज का वीडियो जो रहता थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे ना, उनके साथ मिलकर मैं जाने वाला हूँ निजामबाद बड़ी पहाड़ी दरगाह, जो कि अपने घर से कुछ 165 किलोमीटर दूर है। सो इन शॉर्ट बता देता हूँ गाइस कि ये वीडियो में क्या क्या रहेगा। सो अपन जो रहता यहाँ से अपन निजामबाद जाने वाले हैं, वहां गए बाद दरगाह जो रहती है ना वो एक बड़े माउंटेन के ऊपर रहती, तो दरगाह तक रीच होने के लिए अपन को जो रहता 1000 स्टेप्स की ट्रैकिंग करना रहता। 1000 स्टेप्स क्लाइम करने के बाद फाइनली अपन दरगाह को पहुंचते। दरगाह पहुंचे बाद दरगाह में जो रहता जाकर अपन ज्यारत वगैरह कर लेंगे, करने बाद थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके रिटर्निंग जब अपन आते ना, तो रिटर्निंग में जो रहता अपन को निजाम सागर डैम टच होता गाइस। सो एक बार निजाम सागर डैम भी अपन एक्सप्लोर करेंगे, वो भी बहुत किर्रा व्यू है वहां का, वो भी अपन एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और वहां से रिटर्न होते होते अपन के घर को अपन को जो था एक और डैम टच होता जो है पोचारम डैम। सो आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे पोचारम डैम के, जब रेनी सीजन में वाटर ओवरफ्लो हुआ तो सेम लाइक एक वाटरफॉल की तरह रहता, बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है वो। सो वो भी अपन को रास्ते में पड़ता, तो वो भी अपन एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है ना। सो ये वीडियो में अपन कुप्पा एंजॉय करेंगे, सो मेक श्योर करो आप लोग वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं नए व्लॉग्स जो कुछ भी डालता हूं ना उन सब के नोटिफिकेशन आपको आए थे, ठीक है ना। सो गाइस, अभी जो रहा था कुछ 4:30 हो रहा था, तो अभी मैं ऑलरेडी लॉग इन पे था, तो मेरा लॉग आउट होता रात में 12:30 बजे। 12:30 बजे लॉग आउट कर मैं जो रहता एक दो घंटा नींद ले लेकर रात में 2 या 3 बजे जो रहता अपन यहाँ से निकलने वाले हैं निजामबाद के लिए। सो अपना एक स्कूल का फ्रेंड है मंसूर बोलकर, तो उनके पास कार है, तो लोग कार ले लेके आ रहे हैं। एंड हम लोग टोटल जाने वाले हैं कुछ 7 या 8 मेंबर्स। 3 o'clock जैसे ही फ्रेश अप होकर मैं निकलता हूँ ना दरगाह के लिए, वहां से मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सो मेक श्योर करो आप लोग वीडियो को एंड तक देखने के लिए, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फाइनल गाइस, अभी रेडी फ्रेश अप हो गया हमें, होने के बाद जो रहता यहाँ एक दोस्त के घर पे आ गया था, तो अभी मंसूर को कॉल कर रहा, तो मंसूर बोल रहा था कि वो कार लेके आ रहा करते, तो 5 मिनट्स में वो रहता, जैसा कार आती है ना मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, देखते रहो वीडियो को। मंसूर भाई, एक शायरी तो बोलो। जरूर, इरशाद इरशाद। वो मेरी रूह की चादर में ऐसे छुप गई, वो मेरी रूह की चादर में ऐसे छुप गई, जैसे रूह निकले तो वो निकले तो रूह निकले। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। सो गाइस, 30 किलोमीटर पार करने के बाद वी हैव नोटिस कि हमारी एक हेडलाइट सही से काम नहीं कर रही। सो उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग रुक गए थे, क्योंकि रिस्क न लेना रास्ते का मसला है। सो खैर, अभी रिपेयर होने के बाद अपन निकलेंगे। अभी राइट नाउ हम लोग मेडचल हाईवे पे है। इस होटल में अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ था, तो हम लोग ऑर्डर देके यहाँ पे आके फजर की नमाज़ पढ़ लिए। तो जब तक वो होटल में भी रेडी हो जाता, अभी जाकर अपन खा लेंगे। खाने के बाद जो रहता अभी अपन दरगाह के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से दरगाह कुछ 60 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट अपन पूरा रास्ता कवर कर लिए। You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. 'Cause I wanna be certain.
सो गाइस, अभी हम लोग भानसवाड़ा लोकेशन पे अभी राइट नाउ कुछ 7:30 हो रहा, तो यहाँ से जो रहता कुछ 20 किलोमीटर है बड़ी पहाड़ी की दरगाह। सो यहाँ पे लोकेशन अच्छा था बोलकर हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। पूरा मेरे बैकग्राउंड में फॉग है, आप लोग देख सकते हो। But how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are on. सो फाइनली गाइस हम लोग अंदर आ गए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग हमारी कार पार्क कर दिए थे। जस्ट 50 रुपीज़ कुछ चार्जेस थे पार्किंग के। एंड ये है एग्जैक्टली दरगाह का एंट्रेंस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पूरा ट्रैकिंग स्टार्ट है। एंड ये ऊपर तक अपन को जाना है गाइस, ये पहाड़ के ऊपर दरगाह रहती। सो चलो अभी अपन फ्रेशअप हुए होके ऊपर चढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हैं किधर, बड़ी पहाड़ी दरगाह को आए, ये निजामबाद से है। द बेस्ट सीन क्या है बोले थे यहाँ पे देखने का, क्या है बोलते, ज़्यादा से ज़्यादा बंदरा रहते और क्या कुछ से क्या है वो लंगूर, तेलुगु में बोलते हैं उसको कुंडंगी। अच्छा ये सीने है, देखो कुंडंगी इन्हीं से। और एक बताऊँ, इन लंगा सीन कैसे रहता है बोलते, काम नहीं आता हूँ सही सुकून में सो रहे हो जबरदस्त। सो फाइनली 70% ट्रैकिंग अपन की हो गई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बंदरों की गैंग बैठ के है। तो हम लोग फुल थक गए थे गाइस, तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए बैठ गए। सो देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू, बहुत किर्राक है पूरा ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग कहाँ पे आए बोले तो निजामबाद बड़ी पहाड़ी दरगाह को। आज तक बहुत बुरी हालत हो गई, हल्ला सूख गया, इसका की पानी की प्याज लग रही है। 600 रुपए का एक बॉटल खरीद तो बोलते भी नहीं मिला भाई, इसका हाल क्या है बोलो। इन्हें इन्हें मुंह बंद हो गया, पुक्का वो पूरे पक गए, मुंह नहीं खोल सक रहा, खाली हंसा देखो मैं बात बोल उठा के लेके जाना है। अलबत्ता ये बात है कि बहुत जबरदस्त सीन है भैया, हजरत की करामत है। इतने करीब करीब 1000 बंदरा 1000 लंगूरा निकलते, लेकिन इल्लल्लाह नहीं बोलते, एक बात भी, एक लफ्ज भी नहीं बोलते। हाँ अगर अलबत्ता तुम घर से उससे कुछ भी ला लिए, चने बढ़ाने लांगे वास्ते नहीं दिए बोले तो फसलियां तोड़ के लेते, खुली बात ये तो है। देखो हो ना तो इल्लां से भी पूछ लो, आजू बाजू वालों से सही बोला ना, इन्हें तेलुगु फिल्म के हीरो है ना। तो फाइनली गाइस ट्रैकिंग पार्ट कंप्लीट हो गया एंड ये है दरगाह का एंट्रेंस। सो फाइनली दरगाह पहुंच गए गाइस, अभी जाके पहले वजू कर लेंगे, उसके बाद अपन ज्यारत वगैरह कर सकते हैं। तो देखते रहो वीडियो को। सो गाइस दरगाह के अंदर ज्यारत करने के लिए हम लोग जो रहता ना फूल नारियल एंड तब्रुक लेने के लिए आ गए थे यहाँ पे। सो गाइस ये है दरगाह का एंट्रेंस, यहाँ से अपन को मज़ार के अंदर जाने का रास्ता है। तो ये दरगाह को मैं 10 साल पहले आया था गाइस, जब से लेके अब तक कुछ भी चेंजेस नहीं है, वैसी ये सेम दरगाह। एंड देख सकते हैं इतनी सुबह भी पब्लिक दबा के है यहाँ पे। सो अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं गाइस। सो अब भी जो रहता हम लोग ज्यारत वगैरह पूरी कंप्लीट कर दिए थे, तो अंदर भी दबा के पब्लिक है। एंड ये है हज़रत सैयद सादुल्ला हुसैन बाबा की मज़ार। सो गाइस सिराज के जेब में बटाने हैं, बंदर को मालूम हो गया, अब देखो कैसा पीछे लग गया। ऊपर चौपर कुछ भी
कौन को ले आ रहा मेरे ऊपर जम मारा सो गाइस यहाँ पे फोटोशूट का ऑप्शन था, जस्ट 40 रुपये में हम लोग एक ग्रुप फोटो हमको प्रिंट करके दे दिया, वो मस्त आई फोटो, देख सकते हैं आप लोग। सो फाइनली गाइस दरगाह में कुप्पा एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग रिटर्न चल जा रहे, तो नीचे पहाड़ उतरने के बाद जो रहता अभी अपन नेक्स्ट लोकेशन जाने वाले निज़ाम सागर डैम। सो देखते रहो वीडियो को एंड तक। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी राइट नाउ निज़ाम सागर डैम। सो ये है उसका एंट्रेंस, सो आप लोग देख सकते हैं पूरा फ्रंट व्यू, एंड ये है गाइस इसका बैक साइड व्यू। जब डैम ओवरफ्लो हो गया तो यहाँ पे पूरा पानी जम जाता, सो अभी आपको अंदर जाकर पूरा डिटेल में बताता हूँ, देखते रहो वीडियो को। सो गाइस ये है निज़ाम सागर डैम का गेट, सो देख सकते हैं कितना बड़ा गेट है, एंड यही पूरा पानी को रोक के रखा, तो आप लोग देख सकते हैं इधर से वाटर लीक भी हो रहा, एंड इधर कितने मीटर्स डेप्थ है यहाँ पे आपको मेंशन करके है, देखो ऐसे 12 पिलर्स है गाइस यहाँ पे, एंड ये जो रहता निज़ाम सागर डैम का पूरा बैक साइड व्यू है, जहाँ से वाटर ओवरफ्लो हुआ तो यहीं से जाता, आप लोग देख सकते पूरा। सो फाइनली गाइस निज़ाम सागर डैम पूरा एक्सप्लोर कर दिए हम लोग, सो अभी जो रहता हम लोग नेक्स्ट स्पॉट के लिए निकल रहे, जो कि है पोचारम डैम। पोचारम डैम यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर है, सो वो भी जाकर एक बार चेक कर लेंगे कैसा रहता व्यू है ना, सो देखते रहो वीडियो को। गाइस ये है पोचारम डैम का वाटरफॉल का व्यू पॉइंट। सो अभी जो रहता विंटर सीज़न चल रहा है और पूरा पानी सूख गया, तो अगर आप लोग को रेनी सीजन में आएंगे तो ये जो रील में आपको दिखा रहा ना पूरा वाटरफॉल का व्यू, वो यही स्पॉट का है, तो मेक श्योर करो आप लोग रेनी सीजन में आने के लिए, ताकि ये वाटरफॉल इन्जॉय कर सकते अच्छा। सो गाइस अभी हो रहा है कुछ 6:30 PM, तो अभी हम लोग पोचारम डैम पूरा एक्सप्लोर कर अभी घर को रिटर्न हो रहे हैं। सो यहाँ से अपना घर जो रहता 100 किलोमीटर से गाइस, तो 2 आवर्स में अपन घर तक पहुँच जाते। सो इधर तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो होप दैट आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे जो कुछ भी वीडियोज डालता हूं ना उन सब का आपको नोटिफिकेशन आया था गाइस, ठीक है ना। सो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।